अब आज है मेरा मेहंदी का इवेंट और मैंने यार जहाँ से इकरा होगी वहीं से होना। दिस इज माय लुक, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। मेहंदी वाला दिन, मतलब आज है मेरा मेहंदी का इवेंट और मैं उठी हूँ एज यूजुअल सबसे लेट। आई डोंट वांट टू बट उठ गई हूँ लेट, एक बज गया है। सैलून पे मेरी टाइमिंग थी, अब मैं कोई 3-4 बजे तक ही रेडी होंगी, बट होप फॉर द बेस्ट कि मैं टाइमली पहुंच जाऊँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, सब करना नहीं भूलना। मैं अपनी चीजें भी साथ साथ ढूंढ रही हूँ, साथ साथ व्लॉग बना रही हूँ। कुछ चीजें मैंने पैक कर लिया, ज्वेलरी, शूज एंड कपड़े शपड़े। कपड़ों का मैं बता दूंगा, इस मेरे साथ थोड़ा सा भंड हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा भंड हुआ है। और मैंने इंस्टेंट एक डिजाइन को बोला था, रात में वो आए थे, उन्होंने मुझे अपना ड्रेस दिखाया था। अब दो डिजाइनर्स मेरे ड्रेस रेडी कर रहे हैं, लेट्स सी कि मैं आज कौन सा पहनूंगी। सैलून में दोनों के ड्रेसेस पहुंचेंगे एंड देन आई विल शो यू के व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं सैलून पे क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं है, वहीं जाके कुछ खाएंगे। लेट्स गो। मम्मा मुझे यहाँ तक छोड़ने आई हैं, ठीक है? मैंने यार जहाँ से इकरा होगी वहीं से होना है। ये मेरी मम्मा की जिद है और मैं वहाँ जाके बात करूंगी। मेरी अम्मा ने भी वहीं से तैयार होना, आपको भी वहीं से तैयार कराएंगे, डोंट वरी, डन। अभी मेरी स्टाइलिस्ट भी आ चुकी है और हमारा सामान वगैरह जो है ना वो रखा जा रहा है यहाँ पे। अभी हम लेट्स गो होते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। चलिए जी गाइस, अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं सैलून और लेट हम अच्छे खासे हो चुके हैं। 1 बज चुका है इस वक्त, जबकि 1 बजे मुझे रेडी होके लोकेशन पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आगे अभी 2 इवेंट्स हैं, बारात है, वलीमा है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो मेरे साथ डिज़ास्टर हुआ उसकी वजह से मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी। मेरा ड्रेस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो बना नहीं था उस तरह, तो मैंने इंस्टेंट चीज़ें करवाई हैं। पता नहीं क्या होता है, आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंट एंड नर्वस एंड पैनिक। पता नहीं आज मैं क्या लूँगी, वरना हमेशा मुझे अपनी लुक के बारे में शोर होता है, आज नहीं है। अब जाती हूँ तो फिर दिखाते हैं आपको तैयार होने का सारा सीन एंड देन रेडी होते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं सैलून, सामान वगैरह रखवाते हैं। स्कूल से बच्चों को छुट्टी हुई है, हमको जो है मेकअप कराने की पड़ी हुई। चले जी गाइस, मैं सैलून पहुंच गई थी, ये सारा सामान है, नाश्ता मेरा आ चुका है, चाय भी आ चुकी है, सैंडविच भी आ चुका है। मैं नाश्ता करूंगी फिर अपना मेकअप दिखाऊंगी। मम्मी हाय, आ गई है तैयार होने, वही आई है जहाँ मैं तैयार हूँ। मम्मी ने बनना है प्यारी, फ्रेश नहीं लग रही काफी? मेरे से तो फ्रेश मेरी मम्मी लग रही है। मैं अभी तैयार हो रही हूँ, देखो जरा तैयार होके आपको फुल लुक दिखाऊंगी। अभी तो मम्मा पहुंच गई हैं, मम्मा का भी साथ मेकअप होगा, मेरा होता है तो मैं दिखाती हूँ। बोर हो रही हूँ तो पास जाती हूँ, एंटरटेन करने जाती हूँ ना, तो और क्या। चलो एंटरटेन हो, आप बैठे कुर्सी पे। मैं फाइनली हो गई हूँ तैयार, पहले तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये बहुत 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 प्यारा जो मुझे इमरजेंसी में मिला है, दिस इज माय लुक। और ये लग रही हूँ मेहंदी वाली दुल्हन या नहीं, कमेंट में बताएं। एक्सपेरिमेंटल लुक, बट ये जो रात में बैठ के जनरेट किया ना, उस लिहाज से ये बहुत अच्छी हो गई है। अब जाके हम मामा से मिलते हैं, मामा को देखते हैं, क्योंकि मैं इतना बिजी थी कि मैंने आपको तैयार होने का स्केड्यूल नहीं दिखाया और 5 बज चुके हैं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। लेट्स गो होते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो जी, इधर देखें, मेरी अम्मा भी रेडी हो चुकी हैं। ओ माय गॉड, लग रही है दुल्हन। मामा मेरे से ज्यादा हेयर स्टाइल तो आपने अच्छा बनवाया, मैंने तो हेयर स्टाइलिंग उस तरह से करवाई नहीं। सही, This is called the happy bride. यहाँ पे हो रहा है मेरा फाइनली शूट। मैंने अपना मेकअप करवाया है आलिया तानिया ब्यूटी सैलून से, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया मेरा और बहुत अच्छी मेरी लुक जनरेट किया जैसा मैंने कहा। अब हम इसके बाद चलेंगे घर क्योंकि मुझे कॉल्स पे कॉल आनी है। यू आर लेट भाई, ब्राइड लेट ही होती है और क्या, जल्दी पहुंच के वेन्यू पे पहले बैठी होती है, स्वागत करने ऐसा नहीं होता। बंद करो क्या, अपन चलते हैं घर। ये देखो जी, असल दुल्हन तो ये बैठी हुई है और अपने नेल्स करा रही है, बैठ के हैं। जाते जाते याद आया कि और कितना प्यारा लग रहा है। गाड़ी आ गई है, हमारी गाड़ी आ गई है और हम अब लगे हैं निकलने। सबसे मुश्किल काम का बैग है। ओके दे दे। चैलेंज गाइस, मुझे पता ये चला है कि मेरी बहनों में से कोई भी बहन जो है वो वेन्यू पे नहीं पहुंची है। जारी, देखते हैं कौन पहले पहुंचे। हाँ, अभी ये रेस है कि मैं पहले पहुंचती हूँ या हेरा पहले पहुंचती, देखते हैं मैं उसका इस्तकबाल करती हूँ या वो मेरा।
लेट्स गो। हमारी लेट होने की सबसे बड़ी वजह है ये ट्रैफिक यार, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, मुझे लगता है मेरी बारात जा रही है। वेन्यू में पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट रह गए, सिर्फ 2 मिनट। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली मैं गई हूँ पहुंच एंड अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। मेरी बेटी मम्मी देखो मेरी आज मैचिंग मेरे से नहीं करनी थी किसी और से मैचिंग। को देखो जरा पूरी आलिया भट्ट बन के आ गई है माशाल्लाह। वेलकम नहीं कर रही, वेलकम नहीं कर रही, बहुत प्यारी हाँ, बहुत अच्छी लगी, थैंक यू, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है। हीरा यार मुझे रिंग्स चाहिए अल्लाह का वास्ता, मेरे पास कोई आई जस्ट हैव दिस वन, अगर लेनी है तो ले लो, ये वाली नहीं है मैच हो रही, मैं कोई भी रिंग नहीं पहन रही हूँ, ये वाली निकाल रही हूँ। अब हमको मिल गए हैं जी हमारे डैडी, वो भी सबसे पापा, तो देखो आज फुल मैचिंग, पूरा थीम तो पापा ने फॉलो किया है। ये मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, हाय हाय कर दो सबको। क्या कह रहे हैं आते कह रहा मैं आ गया हाँ आते सबसे पहले पहुंचाना है, बड़ा पंक्चुअल है। अब जो है वो बंद हो जाए ना गेट तो बाहर खड़े रहो, डर गए हो तुम भी, मेरे अब्बा से डर गए। गाइस अभी हमारी जो होनी है वो एंट्री में अपनी पूरी बहनों का वेट कर रही हूँ, हमारा रिक्शा है जिसमें हमारी एंट्री होनी है, लड़के वाले पहले जाएंगे, वो लोगों का वेट हो रहा है, मतलब वो लोग मेहंदी शंदी बना के लेकर आएंगे, तो मैं अब छुपने लगी हूँ आजू बाजू। मुझे लग रहा है मैं वो दुनिया की पहली दुल्हन होंगी जिसके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पूरा इवेंट चल रहा है, मैं साइड पे आके छुपी हुई हूँ कि पहले लड़के वालों की एंट्री हो जाए, उसके बाद फिर लड़की वालों की, मतलब मेरी एंट्री है, और तब तक मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। मेरी बहने ही नहीं पहुंची है, सिर्फ हीरा आई है और कोई टाइम से नहीं पहुंचा, और मुझे सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। ओके गाइस तो लड़के वाले इस टाइम मेहंदी लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी की चाचू की शादी, किसी की भाई की, और ये सबसे प्यारी वाली साली। आज डांस करना नर्वस हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा, होता कि नहीं होता पता नहीं। एंट्री अलहमदुल्ला हो गई है, बस अब डांसेस वगैरह स्टार्ट होने पहले, लेकिन हम खाना खोलेंगे उसके बाद हम करेंगे डांसेस वगैरह, और बहुत मजा आने वाला आज, जितनी प्रैक्टिस की है वो मिलेगी आज आपको। आज मेहंदी है और काफी सारे इवेंट हो चुके हैं, और आज बहुत मजा आने वाला है, सब डांस पार्टी चलेगी, मैं भी डांस करूंगा और मेरे दोस्त भी करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा, और आप जो आप भी करेंगे, ये मेरे बड़े प्यारे जो है ना कजन है, वजन का नहीं है फिर भी कजन, हमेशा भाई दरमियान से मार जाते हैं, आई एम ऑलवेज इन द मिडल, और है भी सेंटर में, एंट्री होने लगी और हम उसके लिए सामान वगैरह सारा बांट रहे हैं। सही है। मैं शूट कर करके पागल हो गई, तो कुल्ले पहने हुए सबने, ठीक है, और इन सबने ऐसे एंट्री करनी है वो सही में पंजाबी कुड़ियां नहीं जिन जाती हैं उस तरह। पूरा लंदन तुम के दा पर है।
बहुत फन करना है। मैं गाइस खाना खुल चुका है लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी फोटो से दीजिए। अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं, मैं बाहर शूट कर रही थी। शूट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फूड। तो हम लोग अब जाते हैं खाना खाते हैं। आज खाने में जो है पुलाव है, साथ पालक है, बड़ी मजे का, ठीक है क्या, सॉफ्ट चिकन है इसका और साथ हमारे पास सलाद है, मजा आ गया। कैसा रहा खाना है? मजा गाइस आप भूल गया है कि खाना फोटो शोटो बन रही थी, मैंने दिखाया भी है क्या है खाने का, एक एक चीज आपको दिखा के लाएगा क्या क्या है खाने में, ठीक है ना? और हमारे लिए भी लेके बेहतरीन है, हर किसी को पूरा खाना हमने करना है और बहुत मजेदार खाना मटन पालक और चिकन बिरयानी के साथ आज हमारा खाना है। ये आपने एक क्लास स्पेशलिस्ट के बारे में भी रिव्यू सुने हैं। खाना खा लिया, बहुत मजे का था, बहुत ही अमीर था। फातिमा और राबिया को इकट्ठा करके डांसेस करने हैं। जिन जिन लोगों ने डांस करना है वो इधर आ जाए सारे, जो जो डांस के पार्टिसिपेंट्स हैं सब इधर डांस स्टेज के पास आ जाए। डांस स्टार्ट होने लगे, प्लीज डांस फ्लोर खाली कर दे। आप लोग ये प्लीज स्टेज खाली कर दो, हम लोगों ने डांस करना है। लाइट बंद हो गई, हमारे डांस रह जाएंगे। हम 6 महीने से उसी की तैयारी कर रहे हैं यार। यहाँ पे हमारी डांस की प्रैक्टिस हो रही है। यस गाइस अब हम लोग स्टेज से वापस यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि डांस परफॉर्मेंसेस होने लगी है। Guys, look at the crowd. इधर देखो यार कितना क्राउड यहाँ पे जमा हुआ है। और मेरी बहनें इन लोगों की चीजें नहीं सेट हो रही हैं यार। डांस परफॉर्मेंस से पहले एक इधर से निकल रही है, दूसरी इधर से निकल रही है, और ज़ैनब मोहतरम पता नहीं किधर है और मैं यहाँ पे राबिया ने दोस्तों के यहाँ पे खाना खिलाने लाई थी क्योंकि उनको खाना खाने का मौका। बहन से पूछा तूने खाना खाया कि नहीं? आपने मेरा बहन स्टेज पे थी, वो स्टेज पे थोड़ी देर नहीं पहले बताओ तुमने पूछा मुझसे? आपने खा ही होगा, उनका ड्यूटी है। एक नवाला ना उसने खाया ना मैंने खाया, नाउ इट्स योर ड्यूटी। सबने आना है आगे आगे इवेंट्स पे एंजॉय करेंगे। नहीं ये बारात में ना आने का, डबल फाइन लूंगी फिर। कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग वैसे आए हो, मुझे अच्छा लगा आपकी परफॉर्मेंस, बहुत माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही कीप शाइनिंग गाइस। हम लोग अपना शूट करा लो जो हमने नहीं कराया था। बाय। अब गाइस हम लोग करा लेंगे अपना शूट क्योंकि ना हमने खाना खाया ना हमने शूट कराया। यहाँ हमारी वीडियोग्राफर फोटोग्राफर टीम है, ठीक है, और खिड़की से लड़ रही है। कौन लड़ी है ये? राबिया यहाँ क्या चल रहा है? तंग करने आ गई है मैं शूट में। गाइस यहाँ पे मेरा और अरीब का हो रहा है शूट, और वो देखे मेरा रंग बिरंगा खानदान, ऐसे लग रहा है वो मीठे चावल पके हुए हैं। गुड़ वाले नहीं रही, मतंजन मतंजन होता है। मतंजन अभी सबसे आपको जाके बारी बारी सीढ़ियाँ ओके अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब जो है ना। देखो तो सही,
खट्टी पीली नीली ग्रीन पर्पल पिंक मेहंदी की प्रॉपर वाइब्स। ये देखो जरा इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है गाय? हाँ तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, एक डवाला नहीं खाया तुमने? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ये क्या हुआ है? इतनी जोर से वो चोकर लगा गले में जो पहना हुआ था इसे उतार दिया। तुम्हारा ड्रेस बहुत आला लगा। छोड़ो, मैं तो इरा ये बेचारा तुम्हारा बड़ा बुरा हाल है गले का। चले जी ये खटिया देखो, खटिया ये तो सही खटिया प्यारी लग रही। चलो अब इधर देखो जी, राबिया मेरी जगह पे आ गई है, यहाँ इसका शूट हो रहा है। राबिया की लुक तो क्या ही कमाल लग रही थी यार। अभी देखना ये लो एक्शन, वाह वाह वाह, पोजिंग चेक करें जरा इस लड़की की। करीब तू हमेशा पास था, मैं तेरा रास्ता, तुझे है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुमाल, तेरे हवाले कर दिया। चलो जी गाइस, हम शूट से फ्री हो गए थे। मेरे घर वाले बेचारे धुंध की वजह से जल्दी निकल गए क्योंकि उनका शूट हो चुका था, मेरा और अरीब का कपल शूट रह गया था अभी। अरीब ये क्या किया आपने? अरीब ने क्या, थैंक यू, झूठ बोल रहा, पहले किसी ने दिया था, पहले किसी ने दिया, अरीब ने रिक्रिएट किया। चलें, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा डांस, मुझे पता क्या अच्छा लगा सबसे, ये मुझे सरप्राइज करने की आदत अरीब की सबसे अच्छी लगती है मुझे। मेरे पैरों के नीचे आ गया था गाइस, इसको कदम मार के चलते हैं और मैं कदमों के नीचे लेके चल रही थी जब ही ऐसा हुआ। धुंध इतनी ज्यादा, अल्लाह खैर करे। आप घर निकले, पहले मुझे कुछ खाना है, खाते हैं। वो वहाँ पे हमारा सेटअप उतर रहा है और धुंध देखे इतनी कुछ दिख ही नहीं रहा, गाड़ी मेरी वेट कर रही है। ओके ओके, पता है आपको मुझे बिठाने के लिए दो बंदे चाहिए। आप तुम्हें एक ही बंदा काफी है। ध्यान से भाई, ध्यान से, ये भाई इसका बोरिया बिस्तर हम अंदर डाल रहे हैं, ये पूरा बोरी, ये जी बोरी बिस्तर अंदर चला गया है और ये बंद हो गया है। चलो सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ घर। मैं देखे एग्जैक्ट वैसे ही ला, मेरी अम्मा चेक करो जरा, अल्लाह मम्मा दिखाना जरा, दिखाना जरा, अरे देखना जरा, कोई बात नहीं, मुँह क्यों छुपा रही है, नहीं दिखाए अब, मुंह तो ठीक लग रहा है, बाल उजड़े में, बाल तो देखिए। वापस घर आ गई, इसलिए हंस रही है, उनको लग रहा था आज मेरी रुक सी है भाई, भूल गई थी यार मेहंदी है। चलो मैं निकलने लगा हूं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। अरे ये क्या है? क्या ये क्या होता है? गाना। इसको ये कौन बांधता है? ये मामू बांधते हैं। अच्छा, मेरे मामू नहीं है तो मेरे मामू के बेटे ने बांधा। तो मुझे भी नहीं गाना बांधते, मैं सॉन्ग बांधता हूँ। चलो ओके, नहीं लड़की को नहीं बांधते, अपना ख्याल रखो। और ये बाप बारात वाले दिन खोलेंगे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। राबिया क्या चाहिए तुमको? किसने तुम्हें कहा लेंस लगाओ? तुम जिंदगी में डब्बी तुम संभाल ही नहीं सकती तुमसे। तो जी गाइस, इवेंट से हम लोग थक के आ गए थे, मैं इतना थक गई हूँ कि मेरे से आंखें भी नहीं खुली, उन्होंने मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव किया और बस सोने लगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय 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 बाय।